नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हरिद्वार में संतों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर कई संत जहां होम आइसोलेट हो गए हैं, वहीं अधिकारी भी मौन हैं। ऐसे में संतों ने हरिद्वार के मां मनसा देवी सिद्धपीठ मंदिर में मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। मां जगदम्बा से जल्द ठीक होने की उनकी कामना की। बता दें, मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र गिरी महाराज ने बताया कि हमने मां भवानी के सामने एक यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं महंत प्रकाश आनंद गिरी महाराज ने कहा कि सभी को कोरोना के नियम का पालन करना चाहिए। हमें स्वयं इस बात पे खेद है, सीएम साहब हरिद्वार में आए थे, कुछ संतों से मिले थे और वो जो है उनको जो कोरोना के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमने मनसा मैया में उनके लिए अनुष्ठान रखा हुआ है और हम उनके लिए माता मनसा से कामना करते हैं जल्दी ठीक हो जाए। भारत की धरोहर है, उसकी सुरक्षा करना आपके हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन जो है अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी। साधु संत जो है कहीं पंडाल लगा रहे तो उनको उखाड़ रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि बीमारी तो है मगर उसकी सुरक्षा आप लोग करिए ना। सभी के व्यवस्था करना आपके हाथ में है। कुंभ नगरी हरिद्वार में महाकुंभ शुरू हो गया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई SOP 1 अप्रैल से लागू होगी, लेकिन कुंभ नगरी में अभी से ही साधु संतों का आना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की भी शोभा यात्रा 3 अप्रैल को भव्य और दिव्य रूप से निकलेगी और शोभा यात्रा के बाद संगत द्वारा शाही स्नान किया जाएगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और देश भर के राज्यों से आए हजारों अनुयायी भाग लेंगे। ये शोभा यात्रा पंजाब के जालंधर से निकलकर 2 अप्रैल को जटवाला पुल हरिद्वार पहुंचेगी, जिसके बाद 3 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये जानकारी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान दी। तो अपना हर साल की तरह यहाँ आते हैं, अरे कुंभ की वजह से हमें बहुत मान है, बड़ी खुशी है कि श्री गुरु जो 12 साल बाद हरिद्वार में कुंभ आता है। तो हम पहले भी इसी कुंभ में आए थे, सारे महापुरुष उन सबको साथ लेकर आए थे। तो हमारे भाग है कि इस बार भी हम, मालिक ने कृपा किया इस कुंभ में आने का, तो इस बार हम श्री गुरुदास बेगमपुरा ऐतिहासिक दमड़ी शोभा यात्रा पंजाब से चलाएँगे और श्री गुरु रविदास पब्लिक स्कूल चूड़ो वाली जो पंजाब में है वहाँ से चलेगी ये, तो और हरिद्वार पहुँचेगी जटवाड़ा पुल 2 तारीख शाम को। बाबा निर्मल दास जी मेरे गुरु हैं और लंबे समय से श्री गुरु रविदास जी के मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। 3 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि आदि अन्य प्रांतों से बहुत भारी मात्रा में श्री गुरु रविदास गंगा शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ से लोग पहुँचेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में संत भी आएंगे। हमने निवेदन किया है कि सब लोग भगवा वस्त्र पहनकर, जैसा मेरे गुरु ने बताया, मजीठिया रंग जिसका वर्णन हमारे श्री गुरु रविदास जी ने अपने वाणी में किया है, उस मजीठिया रंग में हम रंग के शाही स्नान में भाग लेंगे। ये हमारा दूसरा स्नान होगा। चोर पुलिस का खेल तो आप सब ने सुना ही होगा, लेकिन इन दिनों में चोर पुलिस का नया वर्जन आ गया है, नशा। चोर पुलिस द्वारा नशे को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और नशे के आदि लोग बंद पड़े मकानों की रेकी कर चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अपने नशे की पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल काशीपुर क्षेत्र में लगातार चोरी जैसी घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। उभरते चोरी की घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा योगदान नशे का देखने के लिए मिल रहा है। लोगों पर नशा करने के लिए पैसा नहीं हो, पैसे की पूर्ति करने के लिए लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। काशीपुर टांडा चौकी क्षेत्र में बंद पड़े मकान में बीते दिन घर में घुसकर कुछ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसमें एक बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई टांडा उज्जैन चौकी जितेंद्र और काशीपुर कोतवाली द्वारा की गई, जिसमें जो गत 2 महीनों में घर के ताले तोड़ के चोरियां हो रही थी उनको ढूंढा गया। इससे ये बात समझ में आई है, उन
उनको चोरी करने के लिए मेन कारण था कि उनको नशे करने के लिए पैसा चाहिए था। तो जहाँ से यह सामान बरामद हुआ है वो व्यक्ति या वो व्यक्ति और उसकी पत्नी भी नशे का कारोबार करती है मुरादाबाद में, तो एक अच्छी कामयाबी है और एक अच्छा संदेश भी है कि नशा बेचने वालों को भी अपने लिमिट में रह के ये कारोबार बंद किया जाए, अदरवाइज इन पे कार्रवाई। सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। अब कुंभ में आने के लिए 72 घंटे पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी हरिद्वार कुंभ में स्नान के लिए आएगा वो अपनी 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएगा। गौरतलब है कि 1 अप्रैल से हरिद्वार कुंभ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऐसे में हरिद्वार कुंभ में स्नान के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार हरिद्वार कुंभ 4 महीने की जगह 1 महीने का ही होगा, ताकि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोका जा सके। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी केजरीवाल सदस्य अभियान पार्टी की ओर से चलाया गया। इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी ने लाखों सदस्य पार्टी से जुड़े होने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस अभियान के तहत कुल 3,06,882 सदस्य बनाए गए हैं। पार्टी ने 1 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा था। 1 फरवरी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस अभियान की शुरुआत की थी। अल्मोड़ा से है 26,550, बागेश्वर से है 10,898, चमोली से है 9,608, चंपावत से है 7,754, देहरादून से है 50,307, हरिद्वार से है 50,004, नैनीताल से है 27,453, पौड़ी से है 27,028, पिथौरागढ़ से है 10,220, रुद्रप्रयाग से है 6,745, मीरी से है 45,690, शहीद ऊधम सिंह नगर से है 50,071, उत्तरकाशी से है 4,512, टोटल है 3,06,800। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना अपनी दस्तक तेजी से देता हुआ नजर आ रहा है और नजदीकी त्योहारों का आना जाना और भी चिंता का विषय बन जाता है। एक तरफ होली का त्योहार पास है और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। वहीं बढ़ते कोरोना के ग्राफ से चिंतित पुलिस ने लोगों को रंग के त्योहार में भंग न डाले उसको लेकर एक पहल का शुभारंभ किया है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से अपनी दस्तक देते हुए दिखाई देने लगा है और बढ़ते ग्राफ को देखकर कुछ राज्य सरकारों ने तो राज्य में लॉकडाउन का फिर से सहारा लिया है। इसमें गवर्नमेंट के निर्देश आ गए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से कि कोरोना को और कोविड को लेके बहुत अच्छे से प्रिकॉशन हम लोग को लेनी है। तो हर चौकी और थाना क्षेत्र में अभी मीटिंगें हो रही है। आने वाले समय में होली शब्बे बारात जैसे त्यौहार है तो उसमें हो सकता है कि ये चीज़ और ज़्यादा फैले, तो सबको पुलिस द्वारा इस चीज़ का मतलब याद दिलाई जा रही कि कोरोना का दून क्षेत्र में बढ़ता हुआ प्रभाव और हमारे नज़दीकी दिल्ली वगैरह में बढ़ता हुआ प्रभाव, हम भी कुछ उसमें प्रिकॉशंस ले ले और सेलिब्रेशन फेस्टिवल का जरूर हो बट इस तरह से हो तो जिससे कोरोना को फैलने में आसानी ना हो जाए। ऋषिकेश में एम्स के बाहर PWD की जमीन पर NOC लेकर बनाए जा रहे हाईटेक शौचालय के निर्माण में रोड़ा बन रहे एम्स के डायरेक्टर के खिलाफ पार्षदों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पार्षदों ने एम्स के बाहर डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान डायरेक्टर का पुतला जलाते हुए अपना आक्रोश भी जताया। बता दें कि प्रदर्शन अनोखे ढंग से किया गया। मौके पर हाथ में लोटा खुले में शौच की प्रक्रिया में बैठे हुए पार्षद और स्थानीय लोग दिखाई दिए। पार्षदों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को एम्स के डायरेक्टर पलीता लगा रहे हैं, नाजायज दबाव बनाकर निर्माण कार्य को रोका जा रहा है। पार्षदों ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर शौचालय के निर्माण कार्य को शुरू करने की मांग भी की है। देखिए यहाँ पे शौचालय की इतनी गंभीर समस्या थी क्योंकि आसपास यहाँ एम्स के हजारों मरीज सुबह शाम आते हैं। ये चारधाम यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है सड़क और कुंभ पूरा नीलकंठ यात्रा पूरी यहाँ से चलती है। इसके लिए नगर निगम ने एक अच्छा प्रयास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता के लिए
एक शौचालय बनाया जा रहा था, जिसके लिए एम्स डायरेक्टर की ऐसी मनमर्जी हुई, ऐसा इन्होंने इसमें बदमाशी गिरी दिखाई कि शौचालय को अपनी हठधर्मिता से इन्होंने बनने नहीं दिया। इसके लिए अब आम पब्लिक जो है इतना उग्र हो चुकी है और आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, जिसमें ये इनको संदेश आया है कि आप सही कामों का विरोध नहीं कर सकते हो। तो हम इसमें लगातार वो प्रयास रहते हैं कि शौचालय बने, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने 26 मार्च को आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शहर में लगे बैनर और होर्डिंग बिना सूचना दिए हटाए जाने का आरोप नगर निगम पर लगाया है। साफ कहा है कि नगर निगम के एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके प्रचार सामग्री को हटाने की साजिश की गई है, जबकि शहर में कई राजनीतिक दलों के बैनर और होर्डिंग अभी भी लगे हुए हैं। मामले में वीरभद्र युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त का पुतला फूंकते हुए अपना रोष भी व्यक्त किया। नगर निगम के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। बता दें, नगर आयोग ने कहा कि अभी तक निगम की ओर से बैनर और होर्डिंग हटाने की कोई भी कार्रवाई शहर में नहीं की गई है। नगर निगम पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियादी हैं। कार्यक्रम था युवा मोर्चा द्वारा, नगर आयोग के का पुतला फूंका गया। जो युवा मोर्चा इनके लिए वो करता है, वो निंदनीय है कि जो प्रोग्राम था 26 तारीख का माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके लिए शहर में वो लगाए गए थे होर्डिंग बैनर जो नगर आयोग के द्वारा हटाए गए। क्यों हटाए गए ये जानना चाहते हैं, और युवा मोर्चा इसका विरोध करता है कि पुतला फूंक के कि ये अपनी तानाशाही जो चला रहे हैं नगर निगम के अंदर बैठे बैठे होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। हमारे कुछ युवा मोर्चा की होर्डिंग लगे थे कुछ दिन पहले, वो भी हटाए गए थे, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के वो लगाए होर्डिंग, वो भी हटा दिए गए। क्यों हटाए गए? तो निंदा करता है युवा मोर्चा की, वो विरोध करता है प्रदर्शन करके, इन्हें आज पुतला फूंक गया। हरिद्वार में सिडकुल थाना में नरोत्तम पुत्र बजरंग शर्मा निवासी टिहरी विस्थापित कॉलोनी ने तहरीर देकर जानकारी दी थी कि 20 मार्च की रात्रि को सम्राट ढाबे के पास से मेरा ट्रक चोरी हो गया है, जिस पर सिडकुल पुलिस से कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को चोरी के ट्रक सहित गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी हरिद्वार ने सिडकुल थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बीती 20 मार्च को ट्रक चोरी होने की सूचना मिली थी, जिस पर सिडकुल थाना अध्यक्ष लखपत सिंह बुटोला और उनकी सहयोगी पुलिसकर्मी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीम गठित की, और गठित टीम के साथ घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से अभियुक्त गणों का हुलिया प्राप्त कर आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की। आम आदमी पार्टी की पौड़ी विधानसभा अध्यक्ष रीना नेगी पौड़ी गढ़वाल में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस बयान पर उस वक्त सियासत गर्मा गई जब उन्होंने सार्वजनिक मंच से 20 बच्चे पैदा न करने को लोगों की गलती करार दे दिया और कहा कि ज्यादा राशन के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान की जगह-जगह निंदा की जा रही है। विपक्षी पार्टी के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री को लड़कियों की फटी जींस तो दिख रही है, लेकिन प्रदेश की बदहाली नहीं दिखती है। आम आदमी पार्टी की पौड़ी विधानसभा अध्यक्ष रीना नेगी ने कहा, मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था आदि पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फटी जींस पर और ज्यादा बच्चे पैदा करने पर। राकेश सिंह बिष्ट जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस सेवा दल के, उन्होंने भी मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ी निंदा की है। पैठानी थाना क्षेत्र के तरपाली सैंड में युवक और युवती का नरकंकाल मिला है। युवक और युवती 2 महीने पहले घर से लापता हो गए थे। हालांकि इस संबंध में परिजनों ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं कराई थी। परिजनों ने कपड़ों और जूतों से युवक युवती की पहचान की। एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने बताया कि कंकालों का पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है, आवश्यकता पड़ने पर डीएनए परीक्षण भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र पैठानी के तरपाली सैंड में गांव से करीब 2.5 किलोमीटर दूर जंगल की एक गुफा में 2 नरकंकाल मिले थे। हमारे पटानी पुलिस स्टेशन में सूचना मिले था, वहाँ पर जंगल में 2 डेड बॉडी वहाँ पर 2 लोगों को पड़ा करके, सो एसओ द्वारा वहाँ पर गए थे और अभी उनके पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा गया है बॉडी को। एंड ये पता चला था उन लोगों ने, वो दोनों लड़का लड़की का आइडेंटिटी भी हो गया है, वहाँ गाँव क्षेत्र का है। एंड उनका दोनों परिवार से बात हो गई, उन लोगों ने पता था जनवरी में ये दोनों, मतलब दोनों के बीच में अफेयर थे, ये दोनों ही घर से भाग गया था, बट पुलिस के पास अभी तक कोई सूचना नहीं था। अभी हम पोस्टमार्टम करके इसके बाद हम उसमें जांच की कार्रवाई शुरू करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।